हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृत से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे जनेऊ की। जनेऊ क्या है और इसे क्यों धारण करना चाहिए? क्या जनेऊ धारण करना केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण है, या फिर वाकई जनेऊ पहनने का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सबसे पहले जानते हैं कि क्या है जनेऊ। आपने कई लोगों को बाएं कंधे से दाईं बांह की ओर 3 या 6 कच्चे धागे लपेटे देखा होगा। इस धागे को ही जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है। जनेऊ को उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसे सूत्र भी कहते हैं। जनेऊ धारण करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन संस्कार अत्यंत आवश्यक है। क्या होता है उपनयन संस्कार? उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना। अब प्रश्न है कि किसके पास ले जाना? ब्रह्म यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना ही उपनयन है। यानी उपनयन संस्कार मानव को ईश्वर को जानने की ओर अग्रसर करता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। उपनयन संस्कार को मानव का दूसरा जन्म माना जाता है। प्राचीन काल में शिष्य, संत और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। इस दीक्षा देने के तरीके में से एक जनेऊ धारण करना भी होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में दीक्षा लेने या संन्यास्त होने के पूर्व यह संस्कार होता था। कैसे करते हैं उपनयन संस्कार? उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार करने के पूर्व बालक का मुंडन करवाया जाता है। बालक को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं और होम करते हैं। उसके बाद विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी और बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। फिर स्नान कराकर उस वक्त गुरु, पिता या बड़ा भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म यानी ईश्वर को मानने वाला हुआ। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रयं प्रतिमुंशशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसके बाद मृगचर्म ओढ़कर मुंज यानी मेखला का कंदोरा बांधते हैं। हाथ में एक दंड दिया जाता है। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर वह घर से भागता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जाता हूँ। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। तत्पश्चात वह लड़का ब्राह्मण मान लिया जाता है। तो ये हो गया उपनयन संस्कार का महत्व और उसकी विधि। चलिए अब जान लेते हैं कि जनेऊ पहनने के क्या क्या फायदे हैं।
सनातन धर्म के हर अनुयायी को जनेऊ धारण करना चाहिए, जो मांस और मदिरा को छोड़कर सादगी पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। जनेऊ पहनने के क्या क्या फायदे हैं? जीवाणुओं कीटाणुओं से बचाव। जो लोग जनेऊ पहनते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं, वे मलमूत्र त्याग करते वक्त अपना मुंह बंद रखते हैं। इससे वे लोग गंदे स्थानों पर पाए जाने वाले जीवाणुओं और कीटाणुओं के प्रकोप से बच जाते हैं। किडनी रोग से बचाव। यह नियम है कि बैठकर ही पानी पीना चाहिए, वैसे ही बैठकर ही मूत्र त्याग करना चाहिए। उक्त दोनों नियमों का पालन करने से किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता। जनेऊ धारण करने से यह दोनों ही नियम अनिवार्य हो जाते हैं। हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर से बचाव। शोध के अनुसार मेडिकल साइंस ने भी ये माना है कि जनेऊ पहनने वालों को हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की आशंका अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। जनेऊ शरीर में खून के प्रवाह को भी कंट्रोल करने में मददगार होता है। कब्ज से बचाव। जनेऊ को कान के ऊपर कसकर लपेटने का नियम है। ऐसा करने से कान के पास से गुजरने वाली उन नसों पर भी दबाव पड़ता है जिनका संबंध सीधे आंतों से है। इन नसों पर दबाव पड़ने से कब्ज की शिकायत नहीं होती है। तेज होती है स्मरण शक्ति। कान पर हर रोज जनेऊ रखने और कसने से स्मरण शक्ति का क्षय नहीं होता है। इससे स्मृति कोश बढ़ता रहता है। कान पर दबाव पड़ने से दिमाग की वे नसें एक्टिव हो जाती हैं, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से होता है। आचरण की शुद्धता से मानसिक बल। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य बुरे कार्यों से दूर रहने लगता है। पवित्रता का एहसास होने के कारण आचरण शुद्ध होने लगते हैं। आचरण की शुद्धता से मानसिक बल बढ़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।